प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रिलीज किया। इसे मीडिया में काफी अच्छी कवरेज मिली। टाइम्स नाउ न्यूज चैनल ने ये वीडियो ब्रॉडकास्ट करते हुए कहा कि भारत लाने के बाद चीतों का ये पहला फुटेज है। We are getting the first exclusive visuals here only on Times Now. We're seeing the cats on the screen as they've arrived in India. What a special moment. So for the next 1 month, they are going to be monitored very closely. They're also going to be quarantined. Exclusive visuals that you're seeing here on Times Now. You saw it first here, the cheetahs as they arrived in the country. Govind coming. दैनिक भास्कर ने भी ये वीडियो नामीबिया से लाए गए चीतों का बताकर पब्लिश किया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी ये वीडियो ट्वीट किया। ये वीडियो नामीबिया से लाए गए चीतों का बताकर शेयर करने वाले लोगों की लिस्ट में कांग्रेस नेता और विधायक वीरेंद्र चौधरी, न्यूज 18 के जर्नलिस्ट प्रियंका कांडपाल, द इकोनॉमिक टाइम्स, द लल्लन टॉप, द क्विंट, क्विंट हिंदी, न्यूज 18 और लाइव हिंदुस्तान शामिल है। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इस वीडियो की जांच की तो पाया कि यह वीडियो हाल का नहीं है। YouTube पर वीडियो से संबंधित कीवर्ड सर्च करने पर हमें यह वीडियो 14 फरवरी 2022 को अपलोड किया हुआ मिला। एडवेंचर विद क्रिएचर ने इसे YouTube पर अपलोड किया था। आगे वीडियो के फ्रेम को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें यह वीडियो 29 नवंबर 2021 को अपलोड किया हुआ मिला। YouTube पर वीडियो के संबंध में ज्यादा जानकारी नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ इतना तो साफ हो जाता है कि ये वीडियो पुराना है और हाल में कुनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों का नहीं है। लेकिन बिना वीडियो की जांच किए मीडिया आउटलेट्स ने पुराना वीडियो हाल का बताकर चला दिया।